कभी भरेगी और कभी सीपी विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी जगदीश बघेल जी के लिए आपसे वोट मांगेंगे। आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी, हेलो, एक और हमारे अध्यक्ष हैं। मैं 5 मिनट आपसे बात करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप मुझे सुनेंगे। सबसे पहले तो भक्तों से प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्यार कवरेज ना करें, सारी सुनने दर्शी से और यहाँ आगे मुझे मिल रहा है रिपोर्ट से आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, यहाँ के प्रत्याशी का आपके प्रति समर्पण है और ये जो ताकत है भारतीय संविधान की ताकत है और ये अगर दूर हो बात है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है तो उनके चुनाव का समय है और मेरे एक को देने वाले जा रहा है। सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को आगे बढ़ाने के जिम्मेदारी अपने कंधों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और माननीय साहब ने आशीर्वाद दी के सपने को पूरा करने के लिए 11 जनवरी 2013 से मैंने अपने परिवार को इन उम्मीदों के साथ तैयार कर दिया कि मैं अपने जीवन के लिए संघर्ष जैसा माननीय साहब जी आश्रम ने कहा था कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग उठने नहीं देते तो हम जिंदा लोग हैं अपने दादा साहब के सामने काशी राम साहब के सामने पूरा भरे बिना चैन में नहीं भरेंगे तो मैं तो नहीं जा रहा हूं। मेरे साथ हजारों लाखों की संख्या में पूरे देश के अंदर काम करने वाले नौजवान सीनियर माताएं बहने जो भी इस विचारधारा से प्रेरित है मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। चुनाव का दौर है, एक तरफ पैसे वाले लोग हैं, एक तरफ साधन संसाधन वाली पार्टियां हैं, उनके बड़े बड़े कार्यालय संसाधन सब चीजें हैं, एक आपका संगठन आपकी पार्टी है और आपकी पार्टी को आगे बढ़ाना है, उसको राष्ट्र पर लेकर जाना है, जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी जिम्मेदारी आपकी। मैं समझता हूं कि पिछले 5 साल में जहां कहीं जरूरत पड़ी चाहे उत्तर प्रदेश या देश का कोई भी कोना हो वीरानगरी के लोगों ने अपने प्राणों की भी परवाह न करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर ना धूप देखी ना गर्मी देखी ना सर्दी देखी ना रात देखी ना दिन देखी बहुजन समाज के हितों के लिए काम किया। अब मौका है कि जिस तरह से पिछले 5 साल हम लोग लड़े और लड़ाई को हम लोग जीते थे, हाथरस का मामला, उन्नाव का मामला, गोरखपुर का मामला, कानपुर का मामला, प्रयागराज का मामला हो, चाहे सीएल राष्ट्रीय जिला आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो, चाहे क्षेत्र भर्ती का आंदोलन हो, जैसे उन आंदोलनों को जीते मैं आपसे ही लड़ाई बाहर बढ़ाने के लिए ताकत की अपील करता हूं। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी न करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। आज जहां राजभवन होना चाहिए तो वहां यहां का लोकल प्रशासन और यहां के अधिकारी हमारे लोगों को समा करने की अनुमति नहीं देते। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं अगर आपने एक एक वोट जगदीश बघेल जी को देकर आप निकालने का काम किया कि आपके बिना सरकार नहीं बनेगी और जब आपके लिए सरकार बनेगी तो ये शासन प्रशासन के लोग आपको सहयोग कर जाएंगे, आपके घर सलाम किया जाएंगे, आपसे ये राजनीतिक व्यवस्था है। यहां एक गरीब का बेटा भी राजनीतिक शक्ति हासिल करके लोकतंत्र में हिस्सेदार जिम्मेदार और शासक बन सकता है। जैसे हमने मेहनत किए थे लंबे समय से आपके सहयोग से पूरी दुनिया में पहचान बनाई है, उसे आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे अपील करता हूं। जगदीश बघेल नहीं लड़ रहे, आपका अपना खून, आपका अपना भाई, आपका विश्वास उम्मीद करते कर आजाद लड़ रहा है। इस बात को याद रखते फैसला आपके हाथ में कि आपको चंद्रशेखर आजाद को लड़ने की ताकत देंगे अपना असल और जो है सड़कों में रखना है कि भाई आप सड़कों की लड़ाई लड़ते रहो। किन नेताओं के भरोसे के बताओ पिछले
और राजनीतिक शक्ति भी उसको आपको देनी होगी और आपको लेना। अपने दिल से सोचो, नौजवान बेरोजगारी से परेशान, घर में माता बहने महंगाई से परेशान, व्यापारी आम आदमी भ्रष्टाचार से परेशान, अच्छी शिक्षा नहीं है, पैमाने बनाते एक तरफ अमीरों के लिए बड़े बड़े स्कूल, प्राइवेट स्कूल एक तरफ गरीबों के लिए सरकारी स्कूल, गरीब के बच्चे प्राइवेट स्कूल को देखते हैं और अपनी किस्मत को कोर्ट से लेकर जाते हैं क्योंकि फल तो नहीं सकते हैं। एक तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल बड़े बड़े, एक तरफ सरकारी हॉस्पिटल, ना बैंक ना वेंटिलेटर ना ऑक्सीजन ना कुछ, गरीब लोग अगर उसमें इलाज कराने जाएंगे तो जाएंगे जेल में, पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है, वहां तो अगर मर नहीं जाए, आपने कोरोना का देखा कि इलाज के लिए पैसे लेते हैं और तमाम तरह की सामाजिक बुराइयां हास्पिटल जैसे मामले, ये न्याय सरकार जो जानती है नौजवानों से पूछ रहे हैं सलाम से, क्या ये आपकी किस्मत में किसी भगवान ने लिख दिया कि आप गुलाम रहेंगे, इस उत्तर प्रदेश और देश में आप कमजोर बन के रहेंगे किसी भगवान ने कहा कि किस्मत में, इन सारी किस्मत को बदलने के बाबर साहब अंबेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिया और माननीय शास्त्र ने कहा कि वोट की सुरक्षा बैठने की रक्षा की जरूरत थी, अपने वोट को इतना मजबूत बनाओ, अपने वोट को इतना ताकतवर बनाओ कि सत्ता की चाबी आपके हाथ में आ जाए और जो जो आज हमारे लोग हार रहे थे ना सरकार के आगे कि सरकार को देने को ऐसे हो जाए, देने वाला बन जाए ये बहुजन समाज, ये समाज शासन बन जाए, फिर रोजगार भी देना, महंगाई से निजात भी दिलाना, भ्रष्टाचारों में कार्रवाई भी करवाना, अच्छे हॉस्पिटल भी बनाना, अच्छी शिक्षा भी बनाना, सारे काम कराना, लेकिन कब, जब शासक आप लोग बन जाओ, नौजवान साथियों एक अपील आपसे भी है, एक एक वोट तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में बिहार के अंदर समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो 5-6 साल पूरी मात्रा सड़कों में संघर्ष किया, मुगल में फेले लाठियां खाई, क्या समाज उनका कर्ज चुकाने के लिए उसको सम्मान देने के लिए तैयार है या नहीं, ये भी फैसला होगा, ये फैसला मैंने आपके ऊपर छोड़ा कि अगर आपने तय कर लिया कि हमने सबको देख लिया तो अपने भाई को उठाकर देने तो वो दिन दूर नहीं कि जब राज आपका होगा और आपके हाथ में कलम की बात होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ये चाहते थे कि कमजोर वर्ग उनका राज आए, उस राज को लाने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर की सोच में लोगों के बढ़ाना पड़ेगा, इस राज में बताओ, और अगर उनको आगे बढ़ाना है तो वो एक ही सरकारी राज की शक्ति उनके हाथ में आने चाहिए, तो क्या आप दोनों हाथ लगे बताओ जगदीश बघेल जी को सारे काम करोगे, तो पहला एमएलए आजाद समाज पार्टी का ध्यान मंदिर होगा, वो सीट से जीत कर जाएगा, आपकी वोट से जीत कर जाएगा, ध्यान में दर्ज होगा कि फतेहपुर सीकरी ने ध्यान बन किया, एक एक विधायक से आपकी पार्टी सरकार में आएगी और क्योंकि जैसे हालात हैं उन हालात में बिना आजाद समाज पार्टी के सरकार नहीं बनेगी और जब सरकार आपको नहीं बनेगी तो क्या जगदीश बघेल से विधायक रहेंगे बताओ, क्या खाली विधायक रहेंगे, मंत्री बनेंगे और जब मंत्री बनेंगे तो कहीं क्षेत्र में काम नहीं होगा, आपको लगता है काम जो होगा आपके तरक्की के रास्ते खोलेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन भी पूरा होगा, मैं इन शब्दों के साथ आपके घर डोर टू डोर खोल कर प्रचार करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा, बहुत शुक्रिया जिसे आप लोग बाहर आ जाए मैं भी बाहर आ रहा हूं और फिर आप लोग मेरे जाने के बाद कंसेशन बन के घर घर जाके आजाद समाज पार्टी के पक्ष में मतदान कराने की अपील करना, लोगों के सामने जाके हमारे संघर्ष को रखना और वो दिन दूर नहीं जब आप शासन करेंगे, जय भीम जय भारत जय संविधान जय भीम जय 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 केंद्रीय वाले बन जाएगा आप टीका मतलब अपने
केंद्रीय प्रधानमंत्री जो से दबाना पड़े उस स्थिति में दिल्ली में बैठे आनंद सिंह लोग कौन कर रहे आगे बात जानते हैं बिना सरकार के भी हमने लड़ाई लड़ी आगे लड़ने की मौका हमको आपके हाथ में आ गया इस बार गलती मत करना फंसे जाओ घोषणा करना लड़ने वाले लोगों को पाकर देखकर भी पाकर चला रहा हूँ वो बोल रहा हमने किशन जी से किशन जी की जो पूछ